अब जेवीटी भर्ती टेट मेरिट से नहीं की जा सकेगी। माननीय प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल ने जेवीटी के आरएनपी क्लॉज 15 को निरस्त कर दिया है। ट्रिब्यूनल ने ऐतिहासिक फैसला सुनाकर प्रदेश के हजारों जेवीटी अभ्यर्थियों की लंबे समय से उठाई जा रही मांग को पूरा कर दिया है। याचिका में दलील दी गई थी कि टेट मेरिट से जेवीटी भर्ती करना कानूनन गलत है। याचिकाकर्ता ने टेट मेरिट से की जा रही भर्ती के खिलाफ प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के समक्ष याचिका दायर की थी, लेकिन ट्रिब्यूनल ने अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था, जिस पर प्रार्थी ने ट्रिब्यूनल के निर्णय को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने 27 जुलाई को मामले की सुनवाई करते हुए माननीय ट्रिब्यूनल को जल्द निपटारा करने के आदेश दिए थे। ट्रिब्यूनल में उक्त मामले की सुनवाई पिछले 9 अगस्त को हुई थी, जिसमें ट्रिब्यूनल ने उक्त मामले को सही ठहराया था। बता दें कि कुछ वर्षों से प्रदेश में जीवीटी भर्ती में टेट को ही वरीयता दी जा रही थी। प्रारंभिक शिक्षा में ही टीजीटी सहित सीएनबी शिक्षकों की भर्ती 50% व बैच में 50% कमीशन के माध्यम से की जा रही है, तो फिर जेवीटी भर्ती में अलग नियम अपनाए जा रहे थे। वर्तमान में प्रदेश भर में जेवीटी के 700 पद भरे जा रहे हैं। टेट पास जेवीटी बेरोजगार संघ के प्रदेशाध्यक्ष ने माननीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के फैसले का स्वागत करते हुए प्रारंभिक शिक्षा विभाग से आग्रह किया है कि जेवीटी के स्वीकृत 700 पदों को संशोधित आरएनपी के तहत जल्द भरा जाए, ताकि लंबे समय से टेट मेरिट से नौकरी पाने में वंचित हो रहे टेट पास जेवीटी अभ्यर्थियों को राहत मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल।